अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं तो इस वीडियो को देखते रहिए। अभी मेरे पास गूगल एनालिटिक अकाउंट ओपन है, एक बार अकाउंट को रिफ्रेश करके लाइव यूजर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हो अभी राइट नाउ यूजर डाटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, 342 यूजर राइट नाउ है और यहाँ पर 99% यूजर ऑर्गेनिक है। तो आज की इस वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ ऑर्गेनिक ट्राफिक गूगल वेब स्टोरी से ब्लॉग पर कैसे ला सकते हैं, यूएसए कैनेडा से कैसे आप अपने ब्लॉग पर ट्राफिक ला सकते हैं और मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप वायरल करा सकते हैं। काफी यूजर का वेब स्टोरी का ट्राफिक डाउन हुआ है, तो अगर आपका भी डाउन हुआ है तो प्लीज आप इस वीडियो के साथ बने रहिए। मैं आपको बताऊंगा यूएस का टाइमिंग क्या होता है वेब स्टोरी पब्लिश करने का और कुछ 5 टिप्स दूंगा जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो अपनी वेबसाइट पर गूगल से ऑर्गेनिक ट्रैफिक ला सकते हैं। फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर 5 मंथ पहले से वेब स्टोरी के बारे में वीडियो बना रहा हूं। वेब स्टोरी क्या है, वेब स्टोरी से पैसे कैसे कमाए, वेब स्टोरी से ट्रैफिक कैसे लाएं, बहुत सारा वेब स्टोरी से रिलेटेड हम वीडियो बना चुके हैं। तो अगर आपको पता नहीं है वेब स्टोरी के बारे में तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इससे रिलेटेड बहुत सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मेरी जितनी भी वेबसाइट है ज्यादातर ट्रैफिक अभी वेब स्टोरी से आ रहे हैं और लाइव एग्जांपल मैं आपको अपने इंस्टाग्राम पर शेयर करता हूं वेब स्टोरी का। और मेरे जितने भी क्लाइंट है वेब स्टोरी पर वर्क कर रहे हैं और फर्स्ट पेमेंट भी बहुत ही ज्यादा आया है। यहाँ पर एक क्लाइंट का आप देख सकते हो वेब स्टोरी से कैसे ट्रैफिक आया और अर्निंग हो रहा है। तो वेब स्टोरी से ट्रैफिक लाना बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा अगर आप 1 महीना 1.5 महीना अगर आप मेहनत करेंगे तो ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाएगा। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं अगर आप सर्च कर रहे हैं हाउ टू इंक्रीज ऑर्गेनिक ट्रैफिक विद गूगल वेब स्टोरी तो गूगल वेब स्टोरी क्रिएट करके आप ट्रैफिक कैसे ला सकते हैं, इससे रिलेटेड मैं बहुत सारा वीडियो बनाया हूं। बट ये ट्रिक मैं आपको बताना चाहूंगा क्योंकि यहां पर लोग पूछते हैं वेब स्टोरी पब्लिश करने का टाइमिंग क्या होना चाहिए अगर हम यूएस में टारगेट कर रहे हैं तो, प्लस वेब स्टोरी के लिए हमें क्या क्या फोकस करना चाहिए ये चीजें हमें बताइए। तो स्टार्ट करते हैं कैसे आप अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक ला सकते हैं गूगल से ऑर्गेनिक। तो यहां पर आप देख सकते हो सबसे पहले अगर आप यूएस के लिए टारगेट कर रहे हैं तो यूएस का टाइम जोन कनाडा या फिर यूएस का आप देख सकते हो क्या अभी लाइव चल रहे हैं टाइमिंग, उसके हिसाब से आपको पब्लिश करना चाहिए। जो मेरी टीम वर्क करती है या फिर 12 बजे इंडिया टाइम के 12 बजे के पहले जितने भी आर्टिकल होते हैं जो ट्रेंडिंग होता है जिस पर आर्टिकल पब्लिश किया जाता है तो आप 12 बजे के पहले आप पब्लिश कर दें तो बेस्ट रहेगा। अभी आप देख सकते हो एएम हो रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपके लिए बेस्ट रहेगा, सुबह होते होते आपका पोस्ट रैंक हो जाएगा। जैसे कि अभी आप देख सकते हो 4:32 सुबह वहाँ पे अभी हो रहे हैं, सुबह होने वाले हैं, तो आप इस समय अगर आप पब्लिश करते हो तो आपका वेब स्टोरी आपका रैंक हो जाएगा और 1 से 1.5 घंटे में इंडेक्स हो जाता है, इंडेक्सिंग फास्ट रहेगा अगर आप कंटिन्यू काम करते हैं। तो टाइमिंग जोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप एनी टाइम पब्लिश करेंगे तो दिक्कत होगा, अगर शाम को रात में 10 बजे पब्लिश करेंगे फिर कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे ही वहाँ के टाइम जोन के हिसाब से मॉर्निंग होता है तो आपका पोस्ट पब्लिश हो जाना चाहिए, इंडेक्स हो जाना चाहिए सुबह 4 बजे 5 बजे, उसके हिसाब से बेस्ट रहेगा। और यहाँ पर जो आप ट्रेंडिंग फाइंड कर रहे हैं गूगल ट्रेंड से जो यूएस के लिए कंट्री को टारगेट करके, तो आप देख लीजिए कौन कौन सी वेबसाइट है जिस वहाँ पे मतलब कि जो वेबसाइट यहाँ पे फर्स्ट पेज पे रैंक होती है उनको फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से आप उठा सकते हैं क्या ट्रेंड चल रहा है, कौन से आर्टिकल आ रहे हैं, किस डेट को पब्लिश हुआ है, उसके हिसाब से आप निकाल सकते हैं। ये तो बात हो गई आप यूएस के लिए, बट अगर आपको ट्राफिक लाना है तो क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इंडिया के लिए वेब स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं तो सिंपल सा है, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको फॉलो कर लेना है। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास एक डोमेन है। फ्रेंड, नंबर वन पे मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आपको गूगल से ऑर्गेनिक ट्रैफिक चाहिए वेब स्टोरी से तो एक तो आप कंटिन्यू वेब स्टोरी बनाइए और उसके बाद से जो आपका टाइटल होता है ना ये टाइटल को आपको ध्यान में रखना है। और अलग अलग प्लगइन है जैसे कि मेक स्टोरी है, वेब स्टोरी, तो अभी आपको वेब स्टोरी का बता रहा हूं, अभी आपको मेक स्टोरी का भी बताऊंगा। प्लस आपका जो टाइटल का जो लेंथ होना चाहिए वो 90 करेक्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये 90 करेक्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ पर टाइटल है ये थोड़ा सा ज्यादा करेक्टर का है तो यही पेस्ट कर देते हैं, ये आपको नहीं करना है, 90 करेक्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेकंड, आपको फोकस करना है हाई क्वालिटी कंटेंट का। कंटेंट का मतलब ये होता है जो आप इमेज यूज कर रहे हैं स्लाइड में या फिर इमेज या फिर वीडियो जो लगा रहे हैं वो आपका अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए, विजुअल अच्छा दिखे तो बेस्ट रहता है। जो भी आप इमेज यूज कर रहे हैं थोड़ा सा अच्छे क्वालिटी का यूज कीजिएगा तो मेरे हिसाब से बेस्ट होता है और ये वेब स्टोरी के हिसाब से भी बेस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ टाइटल के बाद से डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डिस्क्रिप्शन आपको 280 करेक्टर से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। वेब स्टोरी में तो ऐसे 200 करेक्टर का यहाँ पर ऑप्शन आता है, यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर जब इस डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये पे देखिए 200 करेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बहुत लोग यहाँ तो ऑटोमेटिक हट जाते हैं बट यहाँ पर जो मेक स्टोरी से यूजर बना रहे हैं ना तो यहाँ पर अगर देखिए यहाँ पर पब्लिश करने जाएंगे ना तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में अगर देखेंगे मेटा डिस्क्रिप्शन में तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर
यहाँ पर लोग पेस्ट कर देते हैं, पूरा कॉपी पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर, तो ये 90 करेक्टर से 280 करेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और उसके हिसाब से वेब स्टोरी के हिसाब से 200 करेक्टर, ठीक है। तो इसके बाद से आपको बैकलिंक का फोकस करना है। बैकलिंक के लिए कैसे फोकस कर सकते हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। आप अपनी दूसरी वेबसाइट का लिंक यहाँ पर लगा सकते हैं, आप यहाँ पर लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक ऑप्शन आता है कॉल टू एक्शन का, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर ऑप्शन आएगा कॉल टू एक्शन का, और ओके स्लाइड जब क्रिएट करेंगे, स्टाइल के अंदर जाएंगे ना, तो यहाँ पर कॉल टू एक्शन है, तो यहाँ पर आप अपनी दूसरी स्लाइड का लिंक लगा लीजिए वेब स्टोरी का, तो इससे आपको बेस्ट रहेगा, और ये आपका मतलब कि वेब स्टोरी के हिसाब से भी बेस्ट रहेगा। सेकंड नंबर पे मैं आपको बताना चाहूँगा, थर्ड नंबर पे सबमिट XML साइड मैप वेब स्टोरी का आपको साइड मैप सबमिट करना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर इंडेक्स हुआ है इसका साइड मैप, आप देख सकते हो साइड मैप डॉट इंडेक्स वेब स्टोरी का साइड मैप आपको सबमिट करना चाहिए। प्लस एक चीज और बताना चाहूंगा, नेक्स्ट जो ऑप्शन है AMP वैलिड होना चाहिए। आप देख सकते हो वेब स्टोरी इज वैलिड, आप देख सकते हो यहाँ पर वैलिड है, तो AMP आपको वैलिड होना चाहिए, बाकी आप कंटिन्यू काम कीजिएगा, आपका ट्रैफिक बूस्ट हो जाएगा। मैं आपको बहुत सारी वेबसाइट का एग्जांपल दिखाया हूँ, ट्रैफिक डाउन नहीं हो रहे हैं अभी, चाहे आप मेरी इस वेबसाइट का ले लीजिए या फिर किसी भी वेबसाइट का ले लीजिए, बस आपको कंटिन्यू काम करना होगा। थोड़ा सा कंटेंट आपको ओरिजिनल रखना होगा, टाइटल का लेंथ आपको सुधारना होगा, जो रूल है उसके हिसाब से चलना होगा। अगर आप मेक स्टोरी का रूल देखना चाहते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, एक सेकंड थोड़ा सा वेट कीजिए। अगर आप सर्च करेंगे हाउ टू इंक्रीज गूगल वेब स्टोरी ट्रैफिक, तो आप देख सकते हो मेक स्टोरी ऑफिशियल वेबसाइट में भी एक यहाँ पर इंफोग्राफिक करके यहाँ पर बना के समझाया गया, आप देख सकते हो यहाँ पर समझाया गया है, नीचे आके आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर इसको पढ़ भी सकते हैं। फोकस हाई क्वालिटी कंटेंट, SEO ऑप्टिमाइजेशन, बैकलिंक्स, ये सब आपको ब्रांडिंग, लोगो भी आपका एक साइज का होना चाहिए, ये कलर आप देख सकते हो, स्टाइल कलर फॉन्ट ये सब आपको थोड़ा सा बेस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर आप कंटिन्यू काम करते हैं तो आपका रैंक होगा। और कोई ज़्यादा ट्रिक नहीं है वेब स्टोरी के लिए, जिसका वायरल हो रहा है उसका इसलिए वायरल हो रहा है क्योंकि वो कंटिन्यू काम कर रहा है और रूल को फॉलो कर रहा है, तो अगर आप भी फॉलो करेंगे तो आपका रैंक होगा।